The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. खांसी के लिए बच्चों में खासकर क्योंकि होम रेमेडीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है. सो बच्चों में या बड़ों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो होम रेमेडीज है और जो अच्छी हैं, जो सेफ हैं, उसके बारे में बात करते हैं. क्योंकि वो कई लोगों को घर में अवेलेबल सब्सटेंसेस से हो जाता है, कॉस्टली नहीं है, उससे आराम भी आ जाता है, तो बहुत अच्छी चीज है. सबसे पहले बात करें रनिंग नोज. अगर आपका रनिंग नोज है, बच्चे का रनिंग नोज है, छोटा बच्चा है, तो उसे सिर्फ सक्शन करें, सक्शनिंग. बड़े तो उसे स्नीज आउट कर लेते हैं, बच्चों को उतना नहीं समझता. तो उसमें आप बल्ब सिरिंज आती है, वो बल्ब सिरिंज जैसी एक सक्शन आती है, बहुत सिंपल, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो सक्शन कर सकते हैं ताकि वो लिक्विड आप अपने बच्चे के नाक से इधर से निकाल लें. लंबे अंदर तक नहीं है, ऊपर ऊपर सक्शन होता है. बल्ब सिरिंज जैसी चीज आप उसको देख सकते हो कैसा दिखता है, राइट, रनिंग नोज के लिए. और रनिंग नोज बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिर आप उस वायरल इन्फेक्शन के लिए पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं. अल्टीमेटली फ्लूइड्स और रेस्ट, ये भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है. प्रॉपर खाना बहुत जरूरी है, राइट, उसको भी इंपॉर्टेंस देना है. उस केस में भी इवन अगर ब्लॉक्ड नोज हो, नाक बंद भी हो, और मान लीजिए 3 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा हो, तो 3 मंथ से लेके 1 साल तक का बच्चा हो, तो आप उसे फिर भी स्लोली जो कॉमन कोल्ड होता है उसके चलते में स्लोली उसको फीड करते रहेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग. जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग को बंद नहीं करते हैं कॉमन कोल्ड में भी. और इवन अगर छोटा भी बच्चा हो तो भी, कोल्ड हो या जो भी हो, उसको ब्रेस्ट फीड करना है, याद रखिए. वो क्या कर सकते हैं, और एक सलाइन ड्रॉप्स आती है, अगर ब्लॉक्ड नोज है तो सलाइन ड्रॉप्स क्या होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, उसका ड्रॉप्स आप नाक में डालोगे, उससे क्या होगा, नाक के जो ब्लॉक नोज है उसको लूज कर देगा, उसको रिलैक्स कर देगा, उसको मॉइस्ट कर देगा, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा और इट विल बी गुड. वो बढ़िया चीज है जो आप 2 से 3 ड्रॉप हर एक नॉस्ट्रिल में दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं, राइट. और ये सलाइन ड्रॉप्स जो होते हैं फार्मेसी से आपको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे बहुत आसानी से. सो बच्चों में सलाइन ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, सक्शनिंग या नेजल इजी क्लीनिंग कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट. आप अपने जो वॉशेज, नेज वॉशिंग, नेजल वॉशेज या अंदर तक वॉशेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिए, वो बहुत जरूरी है. हर बार बच्चे का जो वो है, क्या बोलते हैं, जब बच्चे को ऐसा कुछ होता है तो उनकी बॉटल्स दूसरे बच्चे को डायरेक्टली नहीं, कोई भी एक बच्चे के लिए एक बॉटल हर बार यूज के बाद उसे वॉश किया जाएगा. अगर आपका कोई तो यही पॉइंट अप्लाई करेगा बड़ों में. बड़ों में भी सलाइन ड्रॉप्स बहुत अच्छे से काम करती हैं. अब बड़े क्या करते हैं, ओट्रिविन, राइट, वो दवाई ले लेते हैं, ओट्रिविन से नाक खुल जाता है, फट से आराम आ जाता है. लेकिन विक्स इनहेलर ले लेते हैं, उससे आराम आ जाता है. लेकिन वो चीज से ज्यादा बेहतर है सलाइन नेजल ड्रॉप, सेफ है. ओट्रिविन बहुत ज्यादा लंबे समय तक, 1 हफ्ते से ज्यादा लंबे समय तक अगर लेंगे तो आपका कंजेशन ज्यादा फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ज्यादा आ जाएगा, तो वो एक्यूट सिचुएशंस के लिए चल जाएगा लेकिन रेगुलर यूज के लिए नहीं, राइट. दूसरी बात आई खांसी की, आखिरी में बात आई खांसी की, या स्टबॉर्न म्यूकस की बात करें. स्टबॉर्न म्यूकस है, निकल ही नहीं रहा, तो एक बच्चे के केस में आप एक जो कॉटन स्वैब होता है ईयरबड, उस कॉटन स्वैब पे आप गीला करके प्यार से बच्चे के नाक से वो निकाल सकते हैं, दैट इज वेरी ओके. फिर खांसी, अगर तो खांसी है, बच्चा 1 साल से छोटा है, तो उसे शहद नहीं देना है. 1 साल से छोटे केस में छोटे बच्चे को शहद देते हैं तो उसमें शहद में एक बैक्टीरिया होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है, जिससे इन्फेंट बॉटुलिज्म का रिस्क होता है. ये ज्यादा केस में नहीं होता, लेकिन हो गया तो इसका इलाज नहीं है, इसलिए पहले नहीं देंगे. 1 साल के बाद बच्चे में वो इम्यूनिटी आ जाती है कि वो उसे खा सके. तो 1 साल से ऊपर बच्चा है, उसको खांसी है, तो इलाज है शहद. जी हाँ, इलाज है हनी. हनी आप देंगे 2 से 5 ml, 2 से 5 ml, जितना जरूरत पड़े उतना, कोई दिक्कत नहीं है. 1 साल के ऊपर,
राइट right? क्या करता है हनी, शहद क्या करता है, म्यूकस पतला करता है और लूज करता है, गला सूद करता है, खांसी कम करता है और थोड़ा सा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट भी है उसमें, राइट right? ये याद रखिए। और हनी को आप जो कॉर्न सिरप उसके साथ नहीं यूज करेंगे, वो एक चीज आती है बाहर के देश में, अपने पास है नहीं, बाकी होती भी होगी। और तो हनी इज वेरी गुड, ठीक है। और हनी रात को भी लगाने के बढ़िया बढ़िया कफ सप्रेसेंट यूज कर सकता है। इवन 2 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर कितना भी बच्चा हो उसको हनी दे सकते हैं। बड़ों को भी हनी बहुत अच्छा काम करता है। बड़ों के केस में हनी में थोड़ा झिंजर अदरक अदरक मिला के, अदरक का रस मिला के वो और अच्छा काम करता है बड़ों के केस में, बिकॉज वो थोड़ा जलता है। मेक श्योर हनी या शहद लेने के बाद इमीडिएटली पानी नहीं पिएंगे। पानी पी लेने से आपके गले में वो लगी हुई दवा या हल्दी दवा वो सारी अंदर चले जाएगी। सो इट नीड्स टू बी देयर, राइट, तो फायदा होगा। जी हाँ, ये होम रेमेडी है, जी हाँ ये काम करती है। उसके बाद अगर 2 साल से ऊपर एज है बड़ों की भी, बड़े हैं तो बड़े हैं, 2 साल से ऊपर है उनका खांसी है, तो फिर आप उसमें रब, विक्स रब, मेंथोलेटेड रब लगा सकती। हाँ, मेंथोल जो होती है विक्स में वो काम करती है। वो आप नाक के ऊपर बड़ा सा लेयर लगा सकते हैं, चेस्ट पे लगा सकते हैं, नाक पे, चेस्ट पे और बैक पे वो लगा सकते हैं। रात में सोते समय वो बहुत अच्छे से काम करती है। ओवर द थ्रोट गले पे लगा सकते हैं, राइट। ये मेडिसिन जो होती हैं ये बच्चे के गले को, चेस्ट को सूद करती है, राइट, अगर तो खांसी सर्दी के साथ है, राइट, रिमेंबर दिस। अगर वीजी की साउंड आ रही है, सांस में आवाज आ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है, बड़ा है छोटा है, डॉक्टर के पास जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बेसिक्स नहीं भूलना है, बेसिक है लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी बहुत बहुत पिलाना जरूरी है। बच्चा हो बड़ा हो पानी पीते रहें, पानी ही उसका इलाज है मेन। बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है जब ऐसे कुछ भी इंफेक्शन या वायरल या कफ या एलर्जी कफ होता है, बहुत जरूरी है पानी, ताकि पानी ही उस म्यूकस को थिन करेगा, अपने आप आने वाले म्यूकस को थिन करेगा और इजी हो जाएगा वो कफ को, म्यूकस को निकालना, रिमेंबर दिस। फिर आएगी ह्यूमिडिटी, हवा में ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करना होता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिफायर्स, सॉरी, बहुत ज्यादा ड्राई एयर है, बहुत ज्यादा एसी भी चलते हैं तो एयर बहुत ड्राई हो जाएगी, ड्राई एयर से नाक के म्यूकसेस ड्राई हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो आप घर में ह्यूमिडिफायर्स चला सकते हैं। बेसिक चीज है, घर में जो एयर है उसको रूम ह्यूमिडिफाई करना जरूरी है, ये बात याद रखिए, ठीक है। और बच्चों के केस में, बड़ों के केस में अगर बुखार आ जाता है खांसी के साथ, तो खुद से एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, खुद से बच्चों को या बड़ों को एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फैल चुका है पूरी दुनिया में। हम एजुकेटेड लोग हैं, हम तो ना फैलाएं। आपको बुखार है, बुखार एंटीबायोटिक से नहीं खत्म होगा, बुखार खत्म होगा पैरासिटामोल से, एसिटामिनोफेन, टाइलोनॉल, पैरासिटामोल, ब्रूफेन, इनसे दर्द खत्म होगा, इनसे बुखार खत्म होगा। आप वो घर में एक गोली ले लीजिए। जब बुखार 101 से ऊपर है, 101, 102 तक नहीं है, आप दवा नहीं लेंगे। बुखार को खत्म नहीं किया जाता, बुखार को मैनेज किया जाता है। बुखार का काम है अपनी बॉडी गर्म करना और बैक्टीरिया वायरस को मार देना। आप अगर उसे पहले मार दोगे बुखार को, तो आपका बैक्टीरिया वायरस नहीं मरेगा। सो ये हुई बात जो एक्चुअल होम रेमेडीज खांसी के काम करते हैं। इसके अलावा अगर गला खराब है, अगर गला खराब होने के वजह से गला खराब होने की वजह से खांसी है, जी हमें थ्रोट कंजेशन पता चल रहा है, खाते समय लग के जाएगा गले के पीछे, आपको खरखर होगी गले में, तब आप गार्गल्स कर सकते हैं। आप सलाइन वाटर गार्गल कर सकते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं, उससे थ्रोट को थोड़ा आराम मिलेगा। उससे बेहतर गार्गल है बीटाडीन गार्गल, बीटाडीन माउथ गार्गल्स आते हैं, उनसे गार्गल कर लेना। एक्चुअल एंटीबायोटिक जितना इफेक्ट देता है, जैसे घाव पे दवा लगाते हैं बीटाडीन की तो वो ठीक हो जाता है, वैसे गले में जब गार्गल करते हैं तो गले की खराश, खांसी, गले का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। तो ये 3-4 चीजें आप कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडीज हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और आप खांसी की दवा अगर लेते हैं तो
कफ सप्रेसेंट एक्सपेक्टोरेंट, इन दो में फर्क समझें। सप्रेसेंट ड्राई कफ में दी जाती है और एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है जब आपका म्यूकस आ रहा है लेकिन नहीं निकल रहा, जिसमें बलगम आ रही है। सो वो डॉक्टर देते हैं, ऑब्वियसली दैट इज आवर जॉब। सो आप उसमें इन्वॉल्व ना हो और अपना ट्रीटमेंट करना है तो होम रेमेडीज से करें। ठीक, थैंक यू सो मच। बताइए अब आपके सवाल, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।